अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं, हकीम साहब, हम ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल आसान और मुख्तसर सा नुस्खा बताएं जिसके इस्तेमाल से हम अपने रॉड को मोटा लंबा कर सकें। तो आज का ये नुस्खा बिल्कुल ऐसे अफराद के लिए है जो कम पैसों में अपने रॉड को लंबा मोटा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात की शर्त है कि आपके रॉड में सख्ती मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, आपका इंतशार जो है वो पूरा होना चाहिए। ये नुस्खा टाइम तो लेता है, लेकिन रॉड में लंबाई मोटाई ज़रूर पैदा करता है। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो नोट फरमा लें। हमें चाहिए इसमें समंदर सूख, यानी कि समंदर की झाग हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, और हमें चाहिए होगी रोगन खरातीन हमें चाहिए हो 200 ग्राम। ठीक है, आपने करना ये है कि रोगन खरातीन को, ठीक है, ये खरातीन है, इनका तेल निकालना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। ठीक है, इसका आप रोगन बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप रोगन ले लें। ठीक है, रोगन खरातीन ले लें और उसको ले लें 200 ग्राम, इसकी मिकदार लें, 50 ग्राम आप ले लें समंदर सूख यानी कि समंदर की झाग ले लें। ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से मिलाना है। समंदर सूख को पहले अच्छी तरह से कूट लें, कूट कर इसका पाउडर बना के आप उसमें रोगन खरातीन डाल के इसको अच्छी तरह से यकजान करके रख लें। ये 2 से 2.5 महीने का अरसा लेती ज़रूर है, लेकिन रॉड में लंबाई मोटाई ज़रूर पैदा करती है। सख्ती में इसके लिए शर्त यह है कि आपके रॉड में सख्ती मुकम्मल होनी चाहिए, रॉड में ढीलापन ना हो, रॉड की रगों में जान बिल्कुल सही हो, रॉड की रगें ख़राब ना हो। अगर तो आपकी रॉड की रगों में जान नहीं है, रॉड की रगें ब्लॉक हैं, रॉड के पट्टे कमज़ोर हैं, उस वक्त ये नुस्खा काम नहीं करेगा। लंबाई मोटाई कर देगा लेकिन बहुत कम करेगा। अगर आपके रॉड में सख्ती है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, टाइम लेगा लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।